स्ट्रॉन्ग पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ आपकी प्रोफेशनल नहीं बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ को भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं, क्योंकि जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स पर कमांड होती है, स्ट्रांग होते हैं ना, वो इंसान अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप कर पाता है, वो इंसान दूसरों के साथ एक रेपो क्रिएट कर पाता है, वो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाता है, इंप्रेस कर पाता है, इन्फ्लुएंस कर पाता है, एक इम्पैक्ट बिल्ड कर पाता है, अच्छे सेल्स कर पाता है और रिलेशनशिप्स में भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर पाता है। तो आज आपके साथ शेयर करूंगा पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स की वो क्वालिटीज जो हर एक स्टुपेंडस कम्युनिकेटर में होती हैं, जो किसी भी इंसान को महान कम्युनिकेटर बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ ज्यादा इंग्लिश बोलना या अच्छे कपड़े ही आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करते, असली पर्सनालिटी को डिफाइन करती है आपकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट। जैसे इंसान मुंह खोलता है पता लग जाता है कि ये चीज पीतल की है या सोने की। Stay tuned और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। And if you are new to this channel, मेरा नाम है अनुराग ऋषि, I am a corporate trainer and a transformational speaker. So let's get started. तो सबसे पहली क्वालिटी जो पावरफुल कम्युनिकेटर्स में होती है वो होती है कॉन्शियस लिसनिंग की एबिलिटी, यानी बहुत ध्यान से किसी को सुनना, ऑब्जर्व करना। अच्छा, बहुत सारे लोग इस सबसे बड़े पॉइंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको लगता है हाँ कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट स्पीकिंग, टॉकिंग, यू नो, गिविंग स्पीचेस, लेकिन कम्युनिकेशन का सबसे जरूरी एस्पेक्ट है सुनना, लिसन करना, ध्यान से कॉन्शियसली सुनना। जैसे आज आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप ऐसे सुनना जैसे और कहीं कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर पाते हैं जब हम कॉन्शियसली सुनते हैं कि सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज क्या है। और जब भी कोई इंसान बहुत ध्यान से किसी को सुनता है तो वो एम्पैथी डेवलप करता है। एम्पैथी का मतलब है कि आप दूसरे इंसान के लेवल पर जाकर, उसके सिचुएशन पर जाकर फील कर पाते हो कि ये जो बात बता रहा है इसे कैसा फील हो रहा होगा। सपोज वो कोई बुरी सैड न्यूज आपको बता रहा है तो जो इंसान उसको कॉन्शियसली सुनेगा नहीं ना, वो ये नहीं जान पाएगा कि इसको कितना दर्द हो रहा है। इस क्योंकि वो तभी हो पाता है जब आप बहुत ध्यान से सुनते हो और आपको लगता है कि यार अगर इसकी जगह मैं होता तो ये जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आई अगर मेरे साथ आती तो कैसा फील होता। वो आप तभी कनेक्ट कर पाते हैं जब आप कॉन्शियसली सुनते हैं, और कॉन्शियसली सुनने से एक पेशेंस डेवलप होता है। बहुत से लोग, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, बहुत से लोग सुनने के लिए नहीं सुनते, वो लोग बोलने के लिए सुनते हैं कि ये अपनी बात खत्म करे उसके बाद मैं चालू हो जाऊंगा कि देखो तुमने ये बोला अब मैं तुमको ये ज्ञान देता हूं ये बात। अरे नहीं, जो अच्छा कम्युनिकेटर है, पावरफुल कम्युनिकेटर है, वो सुनने के लिए सुनता है, बोलने के लिए नहीं सुनता, वो समझने के लिए सुनता है। तो सबसे पावरफुल मेन क्वालिटी है कि आपको बहुत ऑब्जर्व करके, और ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी से इस वीडियो के साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ऑब्जर्व करके सुनिए कि सामने वाला इंसान बोलना क्या चाह रहा है। और जब आप ऑब्जर्व करके सुनेंगे ना, कॉन्शियस होकर के सुनेंगे, तो ये सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, रिपीट नहीं करना पड़ेगा, कोई पॉइंट याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर याद करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर समझ गए जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और वो तब होगा जब आप कॉन्शियसली लिसन करोगे, सुनोगे, ऑब्जर्व करोगे। दूसरी चीज जो एक पावरफुल कम्युनिकेटर होता है ना, वो बकरी नहीं होता। बकरी से मतलब है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्कुल, जिनसे आपको बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, वो ना बकरी हो जाता है। वो मैं करते हैं, मैं ऐसे करता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैंने फ्लाइट पकड़ी, मैंने जो है ये कर लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने घोड़ा ले लिया, मैंने आईफोन ले लिया। वो सिर्फ इट्स ऑल अबाउट देम, वो कहते हैं मैं। और यहां पे मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आता है कि चमन में इखली आते रंग अबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। लेकिन ये जो बकरी होते हैं ये कहते हैं हम ही हम हैं बस, और कोई नहीं है, मैंने ये कर लिया, मैंने ये पा लिया, मैंने। अच्छा कम्युनिकेटर मैं नहीं करता, आप करता है। वो कहता है आपके आपके बारे में बात करता है। देखो वर्ड को, देखो वर्ड को ही समझो, स्पेलिंग को ही देखो। कम यू निकेशन, कम आई निकेशन नहीं है, आई इज नॉट देयर, कम यू निकेशन, यानी कहने का मतलब है कि इट्स ऑल अबाउट यू। जिसके जिससे आप बात कर रहे हैं आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है, इसलिए पहला पॉइंट बताया कॉन्शियस लिसनिंग, ध्यान से सुनना है। दूसरा, उसमें इंटरेस्ट लेना है आपको, मैं नहीं करना। हां आप अपनी बात कर सकते हो लेकिन तब जब वो रेलेवेंट हो, इसलिए नहीं कि आप अपनी बात बताना चाहते हो और किसी ने बिल्कुल सही बात ये बोली है। अगर आप अपने बारे में ही बताते हो तो इसका मतलब आपके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपके बारे में बताने के लिए होगा तो आप अपने बारे में नहीं बताओगे, लोग आपके बारे में बताएंगे। इसलिए एक पावरफुल कम्युनिकेटर है मैं नहीं करता, और आप देखोगे चमत्कार हो जाता है, सेल्स हो जाएगी, रैपो बिल्ड होगी, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा जब आप दूसरे में इंटरेस्ट ज्यादा लोगे। आप क्या करते हैं, आप कहां रहते हैं, कैसे आपने ये अचीव किया, कैसे जो है आप मुझे ये बताने के लिए जो आए हो कैसे काम करेगी ये चीज। आप दूसरे में ज्यादा इंटरेस्ट लोगे, कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, सेल्स इंप्रूव होगी। पर जैसे बोलते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, वो वही काम करता है। वो जरूरत पड़ने पर अगर अपने बारे में बताना भी होता है तो वो सामने वाला जब बकरी बन के चुप हो जाता है ना, तो वो एक ही बात में उसको
चित कर देता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, दे नेवर रिएक्ट, दे ऑलवेज गिव रिस्पॉन्स। वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट देखो, वर्ड ये चीज बता रहा है, रिएक्ट का मतलब है कि किसी ने एक्ट किया, आपने री एक्ट कर दिया। जो सामने वाले ने किया, कम्युनिकेशन में बहस हो रही है, एक ने पंच मारा, सामने वाले ने भी यू नो बातों का पंच मार दिया, ये होता है रिएक्ट करना। यानी बिना सोचे समझे स्पॉन्टेनियस एकदम से जो सामने वाला बोल रहा है सेम उसी चीज की प्रतिक्रिया दूसरे को दे देना, पुअर कम्युनिकेटर बनाती है। लोगों को लगता है हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ नहीं, ये जो न्यूज चैनल्स हैं यहाँ पर, वो जो चेंचें करने आते हैं ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले, इनको सूट करती है ये चीज, क्योंकि इनको दूसरे को लेट डाउन करना है, नीचे दबाना है। जहां पर बहुत पावरफुल ऐसी डिबेट चल रही है जहां आपने जीतना है, ये वहां पर चीज चलती है। लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर, जब आपको अपनी कोई बात रखनी है, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर, एक अच्छे रिलेशन को अगर आप बिल्ड करना चाहते हो, सेल्स करना चाहते हो, तो आपको रिस्पॉन्स देना है, रिएक्ट नहीं करना। सामने वाले ने कोई भी ऐसे बात बोली जो आपको यू नो अच्छी नहीं लगी, या आपको उसको काउंटर करना है, या आपको लग रहा है कि ये बात को मैं इसको बेटर करके बता सकता हूं, या अब मेरे को इसको इंटरप्ट करना चाहिए और अपनी बात बतानी चाहिए, तो नेवर डू दैट। सबसे पहले ऑब्जर्व करो। अब अच्छा, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो सामने वाला बोलता ही रहेगा। बोलता रहने दो यार। तो आपको वो जो आर्ग्यूमेंट है वो जीतना नहीं है, आपको टोटालिटी में जीतना है। और जब आप एक अच्छा लिसनर बनते हो ना, एक अच्छा सुनने की आदत डालते हो, रिएक्ट नहीं करते, तो आप वो टोटल गेम जीतते हो, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट नहीं। क्योंकि आर्ग्यूमेंट जीतने से कभी कोई बेनिफिट नहीं होता है, उससे सिर्फ ये प्रूव होता है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। मैंने बोला ना, जहां डिबेट हो रही है वहां बताओ दूसरे को कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम्हारे पास ये नहीं है, मेरे पास है। लेकिन जहां आपने कुछ बिल्ड करना है, कनेक्ट करना है, वहां पर रिएक्ट नहीं करना। ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान से सुनो कि ये मैं कर रहा है, बकरी है, या ये बहुत ज्यादा अपने एटीट्यूड को बताना चाह, क्या बात बोल रहा अगला इंसान, और जो इसने बोली है क्या ये रेलिवेंट है, इररेलीवेंट है, क्या ये जो इसने बात बोली है अगर मैं काउंटर करके एकदम से इसके ऊपर रिएक्ट करता हूं, तो क्या वो इसको समझ में आएगी, या फिर से ये हथियार उठा के खड़ा हो जाएगा कि चल आजा लड़ते हैं और आगे इस बात को बढ़ाते हैं। क्या आपके पास इतना समय है कि आप इससे फालतू की बहस कर सको? तो जो भी कोई इंसान बात कर रहा है उसको बहुत ध्यान से जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, तो आप जान पाओगे कि मुझे इस पर रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स देना है। 100 सुनार की एक लोहार की, करने तो जितनी बात करता है, लेकिन एक बार चक्र चलाऊंगा और सारा काम फिनिश हो जाएगा, कोई जवाब नहीं होगा। तो आप अंतर मंथन करते रहते हो, तोल मोल के बोलते हो, जब आप रिस्पॉन्स के मोड में आ जाते हो। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एक बहुत पावरफुल वर्कशॉप कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर, कि एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या है, कैसे आप अपना रेपो बिल्ड कर सकते हो, कैसे एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हो, इंग्लिश में कैसे कमांड कर सकते हो, कौन से वो वर्ड्स हैं जो आप यूज करके लोगों को इंप्रेस कर सकते हो, कैसे आप लोगों के साथ एक रेपो बिल्ड कर सकते हो, बॉडी लैंग्वेज कैसे काम करती है, खुद की भी और दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे बात का उतार आता है और कैसे बात का चढ़ाव आता है, इंटोनेशंस काम कैसे करती है, कहां पर एनर्जेटिक होना है, कहां पर नहीं होना, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं उस पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप में। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हो सकता है अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी कनेक्ट कीजिए पावरफुल एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स की उस 3R की ऑनलाइन वर्कशॉप में। ऑनलाइन होगा, जूम पर होगा, लेकिन बहुत पावरफुल होगा, पावरफुल एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स का वर्कशॉप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक पावरफुल कम्युनिकेटर को बाउंड्री सेट करना आता है, उसको कम्युनिकेशन की बाउंड्रीज पता होती है कि किस इंसान से कितनी बात कैसे कहां और कब करनी है, कैसे बात करनी है, कहां बात करनी है, कहां बात नहीं करनी, कब ये बात बोलनी है, कब ये बात नहीं बोलनी, पहले पूरा सुन लेना है उसके बाद ये बात बोलनी है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर बाउंड्री सेट करना जानता है। इसको मैं बोलता हूं अक्सर अपने यू नो ये जो मैं वर्कशॉप आपको भी बता रहा हूं, इसमें हम एक पूरा डिटेल में बात करते हैं सिचुएशनल कम्युनिकेशन विजडम के बारे में, कि सिचुएशन बेस्ड अपने कम्युनिकेशन को लेकर आपको विजडम आ जाती है कि यार यहां पर वर्क प्लेस पे ऐसे बात करना है, वीडियो में ऐसे बात करना है, किसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में होऊंगा तो ऐसे बात करना है, जहां पर अपने दोस्त से बात कर रहा हूं ऐसे बात नहीं करूंगा, जहां पर अपने घर में बात कर रहा हूं, पेरेंट्स से बात कर रहा हूं ऐसे बात नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब है एक विजडम डेवलप करना कि किस जगह पर इंटोनेशन यूज करनी है, किस जगह पर एग्रेशन यूज करना है, किस जगह पर बॉडी लैंग्वेज को कहां पर कैसे यूज करना है, यू नो कौन सा ऐसा इंसान है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से इंप्रेस हो सकता है, कहां पर आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज रखनी है, कहां पर आपको बिल्कुल यू नो रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज रखनी है, कहां पर आपको लैंग्वेज का कैसा यूज करना है। तो ये एक विजडम डेवलप होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर मेरे साथ जुड़िए क्योंकि बहुत पावरफुल चीजें यहां पर आपके साथ शेयर करता हूं। तो एक पावरफुल कम्युनिकेटर सिचुएशनल कम्युनिकेशन विजडम रखता है, उसको बाउंड्री सेट करना आता है। वो जान जाता है कि यार इस इंसान से बात करके कोई फायदा नहीं है,
रिलैक्स, बोलने दो जितना बोलता है, दो चार मिनट बोलो, फिर आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी मुझे थोड़ा सा काम था, उसके लिए जाना था, तो बात आपकी बहुत जरूरी थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग इस बात पर जरूर कनेक्ट करते हैं, और जब भी नेक्स्ट टाइम मिले मुझे जरूर याद करवाना, मैं भी याद रखूंगा कि हमें इस चीज पर बात करनी है। अब सामने वाले को लगा बात में मेरी इंटरेस्टेड था लेकिन इसे कहीं जरूर जाना पड़ गया। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जहां पर आप इंटेलिजेंटली बैकआउट कर सकते हो। तो किस तरीके से ये करना है ये एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर जानता है, कहां कितनी बाउंड्रीज सेट करनी है। नेक्स्ट चीज जो एक पावरफुल कम्युनिकेटर के पास होती है वो होता है लैंग्वेज का विजडम। अब ये लैंग्वेज का विजडम क्या है मैं आपको बताता हूं। ये दो तरह से काम करता है। पहला तो ये कि आपको सबसे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ी सी कमांड जरूर होनी चाहिए। देखो यहां पर आप हो सकता है बहुत से लोग कमेंट में भी लिखे हैं कि नहीं हमारी हमको अपनी मातृभाषा और हमको आई लव हिंदी एज वेल पंजाबी जो मेरी मातृभाषा मैं उसको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको उतना ज्यादा हेल्प नहीं करती है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो। अगर आप किसी इंडिया की अगर बात करें, अगर आप डाउन साउथ जाते हो या नॉर्थ ईस्ट जाते हो, वहां पर बहुत सी ऐसी जगह जहां आपकी लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड किया जाएगा, जहां पर आपको इंग्लिश में कमांड होना बहुत जरूरी है। आप किसी कॉर्पोरेट में किसी बड़े, जैसे मैं एक ट्रेनर हूं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर के ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो वहां हिंदी में बात नहीं करनी पड़ती। कई बार आप जब टॉप लेवल सीईओ से बात कर रहे हो तो आपको उनके साथ एक मिररिंग और मैचिंग की टेक्निक को यूज करना पड़ता है, यानी जैसे वो बात कर रहे हैं वैसे आपको बात करना पड़ता है। तो इंग्लिश आपको एक एज देता है। अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं हिंदी में ही बात करूंगा, बहुत बढ़िया है, करो। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको जगह जगह जाना है, ट्रेवल करना है, ज्यादा लोगों के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, आप अपने आप को स्केल अप करना चाहते हो, ऐसी जगह भी जाना चाहते हो, इंटरनेशनल होना चाहते हो, कहने का मतलब है, तो बिना इंग्लिश के कैसे बात बनेगी। और हाँ, कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनैलिटी को भी एनहांस करती है ये चीज नहीं कि आप ताबड़तोड़ इंग्लिश बोलते हो, ये चीज कि आप इंग्लिश जानते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप चपड़ चपड़ पटर पटर सिर्फ इंग्लिश में ही बात करोगे, नहीं, मैं बहुत 95% ऐसा होता है कि मैं इंग्लिश में बात नहीं करता हूं, लेकिन मेरे पास ये एबिलिटी है कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं घबराऊंगा नहीं, देन आई वोंट बैक आउट कि मैं यहां से चलता हूं यार कि मेरे बस की तो बात है नहीं या मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो कभी भी लैंग्वेज पे कमांड डेवलप ही नहीं कर पाते हैं, कुछ गलत टेक्निक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एक कमांड डेवलप करनी होती है, आपको जानना होता है कि मुझे इंग्लिश में कैसे बात करनी है, एटलीस्ट इतना कि आप सामने वाले को अपनी बात इजीली कन्वे कर पाए। और जरूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत हैवी जार्गन चाहिए या बहुत हैवी वोकैबुलरी चाहिए या आपको बहुत सभी टेंसेस को सीखना, नहीं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स को सीख के भी आप इंग्लिश को जान सकते हो, एक 20-50 स्ट्रक्चर्स को सीख के भी सिंपल आप इंग्लिश को जान सकते हो और किसी से भी अपनी बात को इजीली कम्युनिकेट करते हो। तो लैंग्वेज का विजडम एक पावरफुल कम्युनिकेटर के पास होता है, पहला ऐसे। और दूसरा कैसे मैं आपको बताता हूं। बहुत से लोगों को आपने ऐसा देखा होगा कि एक इंसान अपनी बात बता रहा है, वो बात कर रहा है सिंपल हिंदी में, अपनी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और सामने वाला इंसान उसको ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत अंग्रेजी आती है वो इंग्लिश में शुरू हो जाता है, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग, सो आई विल टेल यू हाउ यू कैन डू दैट, वो इंग्लिश में शुरू हो जाता है। बेसिकली ये उसको लग रहा है कि मेरा एक इंप्रेशन बिल्ड हो रहा है, लेकिन वो मूर्ख बन रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब कभी भी सिर्फ इंप्रेस करना नहीं है, कम्युनिकेशन का मतलब है कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, और कनेक्शन वहां एस्टैब्लिश होगा जहां आप सामने वाले की सिचुएशन में जाके उसे एम्पैथाइज कर पाओगे कि ये इंसान हिंदी में बात कर रहा है और मुझे चाहे कितनी भी इंग्लिश आती हो, इस टाइम पर अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा तो वो पचड़ पचड़ इंग्लिश नहीं झाड़ेगा, वो कहेगा ठीक है जी, जैसे आप ये बात जानना चाहते हैं मैं वैसे ही आपको इस बात को समझाता हूं। सिर्फ इंग्लिश बोलने से आपने तो अपनी बात कर दी, सामने वाला आपकी बात को समझ ही नहीं पाया और आपको लगा कि हाँ मैंने तो बड़ी पावरफुल बात करी। अरे पावरफुल नहीं, बहुत वीक बात है। लास्ट पॉइंट, हाँ आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट कम्युनिकेशन का नहीं, क्योंकि बहुत से और वीडियोस लेकर के आऊंगा और एक पावरफुल वर्कशॉप भी लेकर के आ रहा हूं ऑनलाइन, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट वो है, एक पावरफुल कम्युनिकेटर के पास फीडबैक लेने की एबिलिटी होती है। जो इंसान बकरी होता है या जो इंसान सिर्फ अपनी लैंग्वेज स्किल्स दिखाना चाहता है वो कभी फीडबैक नहीं लेता। उसका मकसद ये होता है कि मैं अपनी बात को कर दूं बस, ना कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, कुछ नहीं करना, बस मुझे इंप्रेस करना है क्योंकि मैं ज्यादा बोलना जानता हूं। तुमने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, लेकिन वो जवाब तुम समझ पाए या नहीं समझ पाए उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। वो कहता खुद समझते रहो, खुद समझते रहो, मेरा कोई हेडेक नहीं है इस बात में। तो कहने का मतलब है कि एक जो पावरफुल कम्युनिकेटर होता है ना, वो ये सुनिश्चित करता है, वो ये एश्योर करता है कि जो बात वो बोल रहा है वो सामने वाले तक एज इट इज पहुंच पा रही है या नहीं। एक इंसान एक दुकानदार के पास गया और बोला भाई साहब ये अंडे कैसे दिए, बोला मैंने नहीं मुर्गी ने दिए।
कहने का मतलब है कि हर चीज के दो मतलब निकल सकते हैं, हर बात के दो मतलब निकल सकते हैं। जब भी आप अपनी बात को कन्वे करते हैं तो सामने वाला इंसान उसको अपने पर्सपेक्टिव से, अपने ब्लूप्रिंट से समझने की कोशिश करता है। लेकिन एक पावरफुल कम्युनिकेटर ये सुनिश्चित करता है, ये एश्योर करता है कि जो बात बोली जा रही है वो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से बोली जाए। समझ रहे हैं? तो हमेशा पावरफुल कम्युनिकेटर ये ध्यान रखता है कि मैं बात जैसे कर रहा हूं वो ऐसे करूं कि सामने वाले इंसान को वो बात कनेक्ट हो, समझ में आए। इसके लिए वो उसका फीडबैक लेने से भी नहीं घबराता कि जो बात मैंने आपको बोली क्या आप इससे कनेक्ट कर पाए। जैसे अभी मैं आपसे इस वीडियो में पूछ रहा हूं कि क्या जो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्या ये आपकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्या आप कम्युनिकेशन को वाकई जानना चाहते हैं? जितनी मेरी ऑडियंस है, जो लोग नए आ रहे हैं इस चैनल पर, क्या वाकई कम्युनिकेशन की एबिलिटी को डेवलप करना चाहते हैं? क्योंकि देखो, एक साधारण सा दिखने वाला इंसान भी अपनी चातुर्य से, अपनी बात के तरीके से, अपने एक्सप्रेशन से किसी भी इंसान को इंप्रेस कर सकता है, मंत्रमुग्ध कर सकता है। तो क्या आपको इन सब चीजों को जानना है? जानना है तो जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, फीडबैक मुझे आपका चाहिए। हाँ जी, मैं भी अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहता हूं, इसलिए आपका फीडबैक उसमें बहुत जरूरी है कि क्या ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, लास्ट में एक बार फिर से रिमाइंडर, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं और आप भूल ना जाए, इसलिए इस वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, कितने टाइम का होगा, ऑनलाइन होगा, जूम पे होगा, और कितना इसका चार्जेस होंगे। सब डिटेल जो है आपको मिल जाएगी उस लिंक पे क्लिक करने के बाद, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो जल्दी मिलते हैं उस वर्कशॉप में। और अगर नहीं आप जुड़ना चाहते तो यहां जरूर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और वीडियोस मैं लाता रहूंगा जो आपकी लाइफ में कुछ बेनिफिट, कुछ वैल्यू एड करते रहेंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव, एंड सी यू इन द वर्कशॉप।